नमस्कार दोस्तों न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शादी के बाद नेहा ने बदला अपना नाम सोशल मीडिया पर किया शेयर हिंदू मान्यता के अनुसार शादी के बाद पत्नी अपने पति के नाम को अपने नाम संग जोड़ती है ऐसे में नेहा ने भी रोहनप्रीत के नाम को अपने नाम संग जोड़ लिया है लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ सिंगर नेहा कक्कर ने रोहनप्रीत संग अपनी जिंदगी का आगाज कर दिया है उन्होंने रोहनप्रीत संग सात फेरे लेने के बाद अपनी जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत कर दी है अब जब शुरुआत नहीं हुई है तो अंदाज का बदलना भी लाजमी है ऐसे में नेहा कक्कर ने शादी के बाद अपना नाम भी बदल लिया है उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने नए नाम का ऐलान कर दिया है नेहा कक्कर का शादी के बाद नया नाम हिंदू मान्यता के अनुसार शादी के बाद पत्नी अपने पति के नाम को अपने नाम संग जोड़ती है ऐसे में नेहा ने भी रोहन प्रीत के नाम को अपने नाम संग जोड़ लिया है लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ सोशल मीडिया पर नेहा ने अपना प्रोफाइल नेम तो नेहा कक्कर ही रखा है बस उन्होंने आगे मिसेज सिंह लिख लिया है यानी कि उन्होंने अपना नाम में कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन उसे थोड़ा सा लंबा जरूर कर लिया है अब फैंस नेहा को मिसेज सिंह कक्कर भी बुला सकते हैं वैसे इस समय सोशल मीडिया पर नेहा की शादी की फोटोज वायरल हो गई है सभी तरफ उनकी फोटोज के ही चर्चे हो रहे हैं। मेहंदी से लेकर शादी तक हर रीति रिवाज को इतनी खूबसूरती से मनाया गया है कि फैंस तस्वीरों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। फोटोज के अलावा कई ऐसे वीडियो भी ट्रेंड कर रहे हैं, जहाँ पर रोहन प्रीत और नेहा का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है कभी रोहनप्रीत नेहा के लिए कोई गाना गा रहे हैं तो कभी दोनों साथ में भांगड़ा करते दिख रहे हैं इस सब के अलावा नेहा और रोहनप्रीत का नया गाना नेहू द बहुत ऐसे समय में रिलीज हुआ है जब दोनों की शादी सुर्खियों में चल रही है ऐसे में उनके गाने को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है ऐसी ही सभी रोमांचक खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ में एक बेल आइकन आएगी उसे भी प्रेस करिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद